आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल पुलिस की आवाज। सबसे सटीक, सबसे पहले, सबसे बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस की आवाज को सब्सक्राइब एवं शेयर एवं लाइक और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नई न्यूज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। हम आपको दिखाएंगे आपसे सीधी, आपसे जुड़ी हुई खबर जिसका ताल्लुकात सीधा आपसे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन में अग्निशमन विभाग ने किया मॉक ड्रिल, लोगों और डॉक्टरों को आग से बचाव के दिए टिप्स, लोगों को किया जागरूक। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन में आज अग्निशमन विभाग के द्वारा आग से बचने के उपाय और प्राथमिक उपचारों के संबंध में मॉक ड्रिल किया गया। अग्निशमन विभाग मथुरा से सीओ प्रमोद शर्मा ने डॉक्टरों को और साथ में वहां मौजूद आम लोगों को अग्नि से सुरक्षा संबंधी उपाय और प्राथमिक कार्रवाई के बारे में जानकारी दी और अपनी टीम के द्वारा मॉक ड्रिल कर डेमो प्रदर्शन किया गया, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी डॉक्टर और उनके सहयोगी तथा कस्बे के आम लोग भी मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी रुपेंद्र सिंह ने बताया, आज अग्निशमन विभाग द्वारा हमारे यहाँ अग्नि से बचाव के संबंधी प्राथमिक उपायों के बारे में जानकारी दी गई है तथा उसका सूक्ष्म में प्रदर्शन भी करके दिखाया। इस कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और स्टाफ ने भी सहभागिता की। ये आपने फायर वगैरह के डेमो दिखाए, क्या कहेंगे इसके लिए? एक्चुअली अभी जो जनपद मथुरा है उसके अंदर जितने हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, एक हमने मुहिम छेड़ी है कि हर हॉस्पिटल को अग्नि सुरक्षा से हम एकदम पारंगत करेंगे, सब लोगों को सिखाएंगे कि इमरजेंसी क्या करना है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो क्या करना है, या कोई आग का अगर कोई हादसा होता है तो उस टाइम पे क्या करना है। और मैं इसका पूरा जो एक श्रेय है वो यहाँ के क्वालिटी डिपार्टमेंट को देना चाहूंगा, जिन्होंने हर हॉस्पिटल के अंदर एक क्वालिटी इंश्योरेंस वाला जो प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है कि सेफ्टी से रिलेटेड और जो लोगों की सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड पूरा जो कार्यक्रम है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसी में एक छोटा सा हमारा भी एक आहुति है उस हवन में कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो सारे सुरक्षित रहें और जो लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सर, ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है, प्रदेश के अंदर या फिर पूरे देश में चल रहा है? एक्चुअली पूरे देश में कोई ना कोई सेफ्टी के प्रोग्राम चलते रहते हैं, लेकिन जो जो जनपद मथुरा है उसके अंदर अभी जितने हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने सामुदायिक केंद्र हैं, हम उन पे उनसे स्टार्ट किया है ताकि ऑलमोस्ट लोगों का कहना रहता है कि जी गवर्नमेंट की बिल्डिंग के अंदर सेफ्टी अवेलेबल नहीं है लेकिन आप प्राइवेट का चेक करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं उनको अभी चेक कर रहा हूँ, उनके अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितनी एजेंसीज हैं, उनके अंदर ये काम कार्यक्रम जो है स्टार्ट करने। आम लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आम लोगों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगा, ऑलमोस्ट लोग सोचते हैं कि हमारे को आग बुझानी है या कोई इंसिडेंट हो गया उस पर काबू पाना है तो ऐसे उपाय करने चाहिए कि आग लगे ही ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमेशा ये एक ध्यान में रहे कि जो प्रिवेंशन है वो फायर फाइटिंग से कहीं आगे है, तो हमारे को अपने आप को पहले सुरक्षित करना चाहिए, कोई ऐसा घटना हो ही ना उसके लिए हमारे को उपाय करने चाहिए, अपने घरों में सेफ्टी उपकरण रखने चाहिए और एक साफ सफाई जो है हर जगह हमारे को रखनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छी हाउसकीपिंग है बहुत बड़े हादसों को टालती है। कई बार ऐसा ही होता है कि कहीं पे कूड़ा कर